देखिए गाइस स्कूटी का लाइन इतना सारा क्यों है भाई। आज 15 अगस्त में हम जा रहे हैं यहाँ का पब्लिक ग्राउंड लेबोंग में और हम आधे बाटो तक आधे रास्ते तक आए थे पर क्या हुआ कि पुलिस ने हाँ क्योंकि ट्रैफिक के वजह से सो अभी हम आधे रास्ते से देखिए देखिए सब लोग जा रहे हैं सबका बीजो खा ले ज्योति अनि ज्योति करिश्मा और दीपिका का क्या हुआ। ज्योति बहुत बीमार है सीरियस बीमार और दीपिका का भी वही प्रॉब्लम और करिश्मा तो इधर नहीं है उसे बहुत मिस कर क्योंकि वो होता तो वो जरूर जाते हमारे साथ। जी गाइस तो अभी हम जा रहे हैं हमें क्या देखना है हमें क्यों जा रहे हैं वहाँ पे बनते की न जाकर हमें हम उधर ड्रिल देखने जा रहे हैं जो हमारा बोर्डिंग स्कूल का NGHS का ड्रिल है और हम उसी देखने जा रहे हैं लेकिन वो ख़त्म हो गया तो हम रो पड़ेंगे क्योंकि हम उसी के लिए सिर्फ उसके लिए जा रहे हैं वो ड्रिल देखना ही है जो भी करके और वीडियो में बने रहिए एंड तक। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का जंगल 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 पता चला जंगल ही चारों ओर गाइस आप देख सकते हो इधर जानवर भी है रोड खाली भी है। खुश हूँ क्योंकि हमारा कुछ प्लानिंग ही नहीं थे पर मैं बहुत सैड हो गई थी गाइस क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए लेना था कंटेंट और इसीलिए मैं बहुत सैड थी बेचारे और अचानक इसने प्लान बनाया चल क्योंकि ये बहुत बीमार थी गाइस तो फिर इसने मुझे कॉल किया और कहा कि चल और मेरी जो फ्रेंड है वृंदा वो गुस्सा होगी पर प्लीज ये वीडियो देख के ये मत सोना कि हमारा प्लानिंग है हम ऐसे ही कुछ प्लान ही नहीं करके इसने मुझे सुबह कॉल करके चल बोली थी गाइस और उसके 15 मिनट के अंदर हम निकल गए। हाँ ये वीडियो आने में सबसे बड़ा हाथ है इस लड़की का क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी। ठीक है गाइस अभी बहुत लेट हो रहा है तो हम चलते हैं। हाँ नहीं नहीं एक मिनट आपको पता है ये एकदम ऐसा वाला लो क्वालिटी वाला फ्लैग हमें थमा दिया। कितने रुपए में खरीदा तुमने? 10 रुपीज़ में। मैंने कहा था प्लीज़ और एक फ्री दे दो ना मैं बोल के मैंने भीख मांगा था लेकिन वो भैया ने मुझे नहीं दिया क्योंकि आज 15 अगस्त है गाइस तो फिर आज ही बहुत लूटेगा। हाँ वो लोग के नाम पे बहुत लूटता है सबको। यस गाइस ठीक है गाइस मेरा बहुत हाथ दुख रहा है तो फिर आप थोड़ी देर में मिलते हैं। देखिए गाइस स्कूटी का लाइन इतना सारा क्यों है भाई जा पूछ क्या देश के सुरक्षित भविष्य के लिए वक्त आ गया है कि आपको यह जिम्मेदारी अब लेनी होगी। ING LOV를 붙여보면 사랑인 것 같고 Say goodbye를 붙여보면 해 Hello, Ria.
पाठशाला दार्जिलिंग का विद्यार्थी द स्वीकार होस प्रस्तुत नृत्य प्रस्तुति टुनटुन शाना चूर चिट्ठी आ गई सबकी मुबारक हो तुम पापा बनने वाले हो अब से एक नहीं दो लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे घर पे बेटा इस दिवाली घर आओगे ना मैं तुम्हारी राह देखूंगी सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम प्रोग्राम अटेंड नहीं किया क्योंकि बहुत टाइम लग जाता टुनटुन सो अब हम एनर्जी के लिए खा रहे हैं स्मूदी सो गाइस अभी हमने आधा ही प्रोग्राम छोड़ के हम आ गए हैं यहाँ पे और ये रोड देखकर हमारा पुराना यादें सब ताज़ा हो गया है गाइस मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ यही रोड में गाइस हम बैठ के यही रोड है ये हाँ। जो हम बैठ के थका हुआ सा बैठ के हम वो हमारा टिफिन खा रहे थे हाँ मैं फोटो ऐड कर दूंगी और अच्छा याद है यहाँ पे रही श्रीजा और यहाँ नीचे पे है कोहरा ही कोहरा ठीक है गाइस सो बोल कुछ क्या बोलूँ सो तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का क्योंकि गाइस ये बीमार थी और ये आने वाले नहीं थी आज तो फिर आज अचानक ऐसे ही आज का प्लान बन गया गाइस इसीलिए ये आ गई है और कैसा फील हो रहा है आज का थोड़ा शेयर करो आज बहुत मज़ा आ रहा है सब पुराने यादें जो है सब ताज़ा हो रहे हैं हम मुझे अभी भी पता है हम जब स्कूल थे तो जुलाई लास्ट वीक और अगस्त के शुरू हो जाते थे हमारा बहुत थकते थे उस टाइम हाँ तो हम बहुत ज़्यादा थकते थे उस टाइम लेकिन हम बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते थे क्योंकि ड्रिल प्रैक्टिस में हमें पढ़ाई करने नहीं पड़ता था तो उस टाइम बहुत बेस्ट था है ना और हम प्रैक्टिस करके करके बहुत काला काला सा भी हो जाती थी लेकिन जब वो 15 अगस्त का टाइम आता था तो हम सब सुबह सुबह उठ के तैयार होके सुबह ये लेवन ग्राउंड आना पड़ता था उसके बाद ड्रिल करना सब एकदम प्राउड टाइप मोमेंट था है ना और बहुत अच्छा लग रहा है यही रोड है हम जो थके हुए थे ऐसे ही चल रहे थे हमारे दोस्तों के साथ एकदम काला काला मेला होके वो टिफिन का खाना खा के वो पानी सब यादें ताज़ा हो गए और हाँ हमें बहुत स्कूल मिस कर रहे हैं हम हमारा स्कूल बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं वो सब एकदम अच्छी वाली यादें एकदम मीठी अच्छी वाली होते हैं ना वो जो लाइफ टाइम रहते हैं वही वाली यादें ठीक है थैंक यू
हेर्नुहोस् हत्तु हत्तु हामी कसलाई पर्खेको स्कुटर अहिले जो पनि भक्ति बस्तीमा बस्छ या फेरि कोही भक्ति बस्ती सरी हिन्दी हिन्दीमा भन्नु जो भी भक्ति बस्ती में रहता है रहता हो और फिर जो भी लेबुंग में रहता है हाँ लेबुंग में रहता है उन लोगों के लिए इधर स्कूटी मिलता है जो बारह दे के हमें वो क्या बोलते हैं बारह दे के हम क्यों चौरस्ता तो सामान पूरा देगा चौरस्ता तक छोड़ देगा और हम उसी का इंतजार में अभी इधर राम था खार के इधर बैठे तो हम उन लोगों को इंतजार में है लेकिन अब तक नहीं आया पता नहीं क्यों सर्विस थोड़ा ढीला होता है पर बहुत सेफ है हाँ बहुत सेफ है हेलो आप हेलो ब्यूटीफुल जा रहे हैं वो भोला से आलू खाने दार्जिलिंग का सबसे टेस्टी भोलास आलू सो पी गाइस भोला को आलू बन छ कि छैन ठुक 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 सो गाइस हामी चाहिँ पुरा लाइन लाग्यो हम बहुत लाइन लग के अभी हम घर वापस जा रहे हैं लाइन लग के क्या किया तुमने अभी तो बताओ नहीं गाइस अगर आप लोग भी बोर्डिंग स्कूल के फैन हो और बोर्डिंग स्कूल का रील देखने का आपको बहुत शौक है तो फिर यहाँ आई वॉटर में मैं लिंक डाल दूंगी वहाँ पे देखना मैंने कल ही ड्रिल का ब्लॉग डाल दिया था ब्लॉग नहीं वीडियो तो फिर इस ब्लॉग को भी बहुत सारा प्यार दीजिए गाइस और तुम्हें आज का सबसे अच्छा ड्रिल कौन सा लगा वो क्रिप्टन हाई स्कूल का जो परफॉर्म किया था वो बहुत अच्छा था बहुत दिल छूने वाला परफॉर्मेंस था हमें बहुत अच्छा लगा छोटा सा क्लिप डाल दूंगी हाँ मैं बोर्डिंग स्कूल का बहुत बड़ा फैन हूँ उसी स्कूल में पढ़ा बड़ा हूँ फिर भी मुझे क्रिप्टन हाई स्कूल का बहुत अच्छा लगा बहुत ज़्यादा अच्छा गाइस तो फिर आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चलते चलते तो